हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बुटीक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम 38 इंच चेस्ट की शर्ट कटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बताते हैं आपको नाप। इसकी जो लंबाई है वह है 30 इंच, स्लीव्स है 26 इंच, शोल्डर है 19 इंच, कॉलर है 15.5 इंच और चेस्ट है 38 इंच। तो आज हम 38 इंच चेस्ट के ऊपर यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कपड़ा बिछा दिया है, ठीक है, उल्टा करके, यानी कि जो सीधा कपड़ा है वो इसके अंदर है। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच का निशान इस प्रकार, और संग संग ऊपर का कपड़ा भी सीधा कर लेंगे इस तरह। उसके बाद में हम लगाएंगे ऊपर से 1.25 इंच पे निशान। तो हमारी ये स्केल 1.25 इंच चौड़ी है, तो यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर हमें लेना है लंबाई, तो इस वाले निशान से रखेंगे, और हमारी शर्ट की जो लंबाई है वो है 30 इंच, तो हम यहाँ पर रखेंगे 30.5 इंच, ठीक है, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर ओपन राउंड वाला दामन है, तो आधा इंच मार्जिन उसमें जाएगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर आरमोल की, तो हमें आरमोल किस तरह निकालना है। तो दोस्तों हमें आरमोल निकालना है चेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों हम यहाँ हमारे यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 38 इंच, ठीक है, चेस्ट 38 इंच है, तो इसका हम 4 भाग कर लेंगे। तो दोस्तों कितना हो गया यहाँ पर 9.5 इंच, तो 9.5 इंच यहाँ पर हो गया, तो 38 का 1/4 9.5 हो गया। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच कम करके निशान लगा देंगे, यानी कि 1/2 इंच कम करके। हमेशा आप याद रखना, आपको चेस्ट का 1/4 करके 1/2 इंच कम करके लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक निशान लगाना होगा और दूसरा लंबाई का लगा लेंगे। लंबाई का लगाने के बाद हमारा यहाँ पर कॉलर है 15.5 इंच, तो हमें उसके लिए परफेक्ट हाला कितना कटिंग करना है, यहाँ पर करेंगे 2.5 इंच और यहाँ पर करेंगे 2.5 इंच, और इसको इस तरीके से चौकोर कर लेंगे और यहाँ से दे देंगे गोलाई। आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर शोल्डर है 19 इंच, तो हम 19 का 1/2 कर लेंगे, दोस्तों होता है 9.5 इंच, और हम 1/2 इंच देंगे सिलाई मार्जिन, यानी कि हमें यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगा देना होगा, यानी कि टोटल हो गया 20। जब हमारा 1/2 इंच दोनों साइडों में जब मुड्ढे चढ़ाएंगे हम अपनी आस्तीन के, तो 1 इंच चला जाएगा, तो वहां पर हमारा 19 इंच कंप्लीट रह जाएगा, ठीक है। अब हमारी चेस्ट है 38 इंच, 38 का हम 4 भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर फिर हमारा बचा 9.5 इंच, तो हम चेस्ट पे 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। बेहतरीन फिटिंग के लिए आपको 2.25 इंच लूजिंग देना होगी। टोटल सामना नाप लेंगे, यहाँ पर जो हमारा आता है दोस्तों वो आता है 11.25 इंच। अब हमें इतना ही सामना नीचे रखना है 11.25 इंच। दोस्तों यहाँ पर आपको पेट नापने की कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी का पेट चेस्ट से ज्यादा होता है तो उसको नापने की जरूरत पड़ती है, या किसी के पास स्केल नहीं होती ये वाली तो पेट नापने की जरूरत पड़ती है, वरना आपको यहाँ पर इस तरीके से स्केल रखना होगी और यहाँ पर निशान लगाना होगा, इससे बहुत ही परफेक्ट ढाल आ जाता है। दूसरी बात, अब हमें यहाँ पर इस तरीके से स्केल को रखना है, इस जगह से मिला के देख लीजिए, और यहाँ पर हाले वाले निशान से मिला के, यहाँ पर भी आपको नापने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे आप चक्कर में पड़ जाएं और आप पूरी कटिंग ना सीख पाए। कुछ लोग घुमा फिरा के कटिंग बताते हैं जिससे आदमी वीडियो को छोड़ देता है, मगर मैं यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, और आप ना मानो तो कटिंग करके देख लो, और कोई शिकायत आए तो मुझे बताना कमेंट्स करके। तो आप यहाँ पर निशान लगाइए, एक निशान बगैर नापे यहाँ पर लगा लीजिए, मगर इसी स्केल से होना चाहिए जो हमारी ये गुनिया फंटी है, ठीक है, और इससे इस तरीके से यहाँ से हमें राउंड देना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे लग चुके हैं निशान, अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग।
तो हमने दोस्तों यहाँ पर कटिंग कर लिया है, यहाँ पर लगाना है एक छोटा सा कट और उसके बाद हम अपने सामने को उठा लेंगे। अब दोस्तों हमारा जो इस ये कपड़ा बचा है ना सामने में से बचा हुआ, यहां से हमें निकालना है कॉलर स्टोन समेत यानी बैंड पट्टी समेत पूरा कॉलर यहां से निकालना है हमें पॉकेट, ठीक है, क्योंकि ये डबल कपड़ा है, सब कुछ आराम से निकल जाएगा। खर्चा भी मैं संग संग बताता हूँ जिससे आप लोग परेशान ना हो कि हमें कफ कॉलर किस जगह से निकालना होंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से इस फैब्रिक को फोल्ड करना होगा, जितना चौड़ा हमारा यहाँ पर सामना है उतना ही हमें यहाँ बिछाना होगा, ठीक है। तो हमारा सामना था 11.25, तो हम करीब 11.5 या 12 इंच इसे बिछा लेंगे। तो दोस्तों हम इसे कर लेते हैं 12 इंच अपनी बैग को बिछाने के लिए और इसको यहां से फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, यहां पर बिल्कुल कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कहीं यहां पर पतला हो जाए तो यहाँ चौड़ा हो जाए, बिल्कुल एक सा होना चाहिए। इससे ये फर्क पड़ता है, अगर चौड़ा पतला हो गया तो आपकी शर्ट एक तरफ को भागेगी, ठीक है, इसलिए एक सा फोल्ड करेंगे तो आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे स्केल, इसको कपड़े को कर लेंगे सीधा और सीधा करने के बाद में इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों हमें उठाना है अपना सामना और इस बैक कटिंग करने के लिए बिछा देंगे, तो हमें यहाँ पर इस प्रकार अपने सामने को बिछाना होगा। दोस्तों आपको किस किस चीज की कटिंग चाहिए प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर किया करें, और जब आप कमेंट्स करेंगे तो उसी पर मैं आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमारे जो सामना है, जो निशान लगे हैं कि चौक से यानी पट्टी वाले, ठीक है, सामने की, इससे हमें 1.25 इंच अपनी बैक को कम रखना है, ऊपर भी को कम रखना है और नीचे भी, यानी पूरा बिल्कुल एक सा बिछाना है, यानी बैक को अपने सामने से 1.25 इंच कम रखना होगी। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से ये मिला देना होगा, इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें कि यहां से आप इसे मिलाएंगे तो 5.5 इंच चौड़ा तीरा कटिंग होगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं पहले ही। अगर आपको इसको आधा इंच यहाँ पर कम कर देंगे तो उसकी ट्रिक अलग है शोल्डर कटिंग करने की। कुछ लोगों की शर्ट आगे से उचकती है, उसका यही कारण होता है कि लोग ऐसी उल्टी सीधी कटिंग कर देते हैं जिससे उनकी शर्ट ऊपर से उचकने की या नीचे से गिरने की शिकायत आ जाती है, जिससे प्रेस करते टाइम उनका कॉलर की सेटिंग भी सही नहीं बैठती है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से मिलाना है और मिलाने के बाद ही यहाँ पर आप अपने शोल्डर की 5.5 इंच चौड़ाई रखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपका शर्ट की सेटिंग बैठेगी। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो है 19 इंच, आधा आधा इंच का हम दोनों साइडों मार्जिन देंगे। दोस्तों 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया, तो यहाँ पर हम 20 इंच पे निशान लगा देंगे, 20 का हाफ यानी 10 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। उसके बाद में हमें ये स्केल लेना है, इससे सीधा करके एक निशान लगा देना है, यहां से दे देंगे गोलाई, और गोलाई देने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। आप जरूर बताएं कि आपको किस चीज की वीडियो चाहिए है, बिल्कुल मैं आपकी कोशिश करूंगा कि वीडियो आपके टॉपिक पे बनाने की। जिन लोगों की जिस चीज की ज्यादा कमेंट्स होती हैं मैं उसी चीज पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे एक भाई की कमेंट्स आई है कि आस्तीन के कफ और कटिंग करना और चढ़ाना बताएं, तो दोस्तों मैं बहुत जल्दी आपकी वीडियो बना दूंगा। हो सकता है इसी शर्ट के मैं कफ बनाना और चढ़ाना बता दूं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कटिंग करते हैं अपने ओपन दामन को, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से उठाएंगे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से लगा लेंगे निशान इस प्रकार, और इसको भी कटिंग कर लेंगे इस तरह। अब दोस्तों हमारा जो ये कपड़ा बचा है ये वाला, इसमें से हमें निकालना है शोल्डर, तो वो हम निकालेंगे बाद को। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स को कटिंग करेंगे, इस तरीके से पहले देख लेंगे कि हमारी स्लीव्स आ रही हैं दोनों एक संग, अगर नहीं आती हैं, रस कम है इसकी, तो हम एक एक करके निकालेंगे। तो हम इसको पहले यहाँ बिछा देते हैं, इस तरीके से कर लेंगे फोल्ड। अब हमें यहां पर लेना है जो है वो लेना है 9 इंच, तो 9 इंच यहां पर नहीं आ पाएगी, तो
तो दोस्तों यहाँ पर 9:15 है, तो हमारा मतलब ये आस्तीन का आर्मोल कम रह जाएगा, तो हमें यहाँ पर एक एक करके कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे कटिंग, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 9 इंच आना है, तो 9 इंच है तो 9 इंच आ रहा है, हल्का सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो कटिंग में कर देंगे हम सेट। इस तरीके से बिछा देंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक निशान, और निशान लगाने के बाद में हमारी जो आस्तीन है वो है 26 इंच, तो हम 26 इंच 1 इंच ऊपर निकाल के निशान से और 26 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद में यहां से रखेंगे एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों यहां पर हमें लेना है, हमने वहां पर आर्मोल की जो लेंथ ली थी वो ली थी 9 इंच, तो हमें यहाँ पर भी 9 इंच सीधा करके निशान लगाना होगा। यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, कोई भी आपका आर्मोल का हाला छोटा या बड़ा नहीं बैठेगा। अगर आप इस तरीके से नापते हैं तो आपको नापना होगा करीब 9.5 इंच, तो ऐसे नापना ही नहीं है आपको, बिल्कुल सीधा नापना है। यहाँ से इंची टेप डालना है 3 इंच पे, और यहाँ से नाप लेना है सीधा 9 इंच पे। उसके बाद में यहाँ से जो हम अपने आस्तीन की मतलब वो रखेंगे चौड़ाई, वो रखेंगे 6.25 इंच, क्योंकि 38 इंच चेस्ट है, 6 इंच 6.25 इंच रखेंगे, और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में स्केल लेना है और यहाँ से निशान लगा देना है। तो दोस्तों स्केल का एक चीज़ का ध्यान रखना, ये स्केल कम राउंड वाली लेना है, मार्केट से जब आप लें तो कम राउंड वाली लें, ठीक है। एक होती है ज़्यादा राउंड वाली, तो आपको हमेशा एक कम राउंड वाली खरीदना है। इसको हम कटिंग कर लेंगे, इस स्केल से ये फायदा है दोस्तों कम राउंड वाली से कि आप ना तो पैंट का घुटना नापेंगे कभी, और ना ही आप शर्ट का पेट नापेंगे जिससे कोई टैट हो। अगर आप ज्यादा राउंड वाली स्केल से कटिंग करते हैं तो आपका पैंट में भी अच्छा मजा नहीं आएगा, टाइट हो सकती है घुटने पे, और शर्ट भी टाइट हो सकती है। तो आपको हमेशा जो लेना है वो कम राउंड वाली स्केल लेना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास ये स्केल नहीं मिल रही है आपको, वैसे सस्ती मिलती है मार्केट में, कि महंगी नहीं मिलती, 70-80 रुपए की मिल जाती है, मगर आपको फिर भी ये नहीं मिलती तो आप ये मुझसे मंगा सकते हैं, मगर इसका जो प्राइस होगा वो कम से कम 250 रुपए होगा, ठीक है आपके लिए। वो यूं कि इसका डिलीवरी चार्ज ज़्यादा चला जाता है, स्केल तो इतनी महंगी नहीं है, काफ़ी लोगों ने मुझसे मंगाई है, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स को कटिंग कर लिया है, और कटिंग करने के बाद में दूसरी स्लीव्स हम इस पे इस तरीके से बिछा देंगे सीधी करके, बिल्कुल नहीं, ये हमारा और हिस्सा है वो सीधा है, तो हमें सीधा हिस्सा लेना है, अगर को कपड़े पर सही करके बिछाएंगे जिससे सीधा आ जाए, ऐसा ना हो एक एक आस्तीन का ओरेव और एक का सीधा आ जाए, ठीक है। ये सीधा आ गया बिल्कुल, और ये ओरेव आ गया, तो ऐसे करके अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहां से 1/4 इंच का गैप दे देंगे, पर स्लीव्स कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी चाक पट्टी को कटिंग करना होगा, तो हमें इस तरीके से करना है फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद एक बार फोल्ड और करेंगे हाफ, यहाँ पर जितना सिलाई मार्जिन लेते हैं उतना निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारे के बिल्कुल बराबर हिस्सा हो जाएगा 1/4। और यहाँ से जो चाक पट्टी की लंबाई कटिंग करेंगे दोस्तों वो करेंगे 5.5 इंच, तो हम यहाँ 5.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर बॉडी और शेयर आस्तीन दोनों कटिंग हो चुकी हैं, अब हमें कटिंग करना है शोल्डर, तो हमने जो बैग में से कपड़ा बचाया था आपको ध्यान रखना है कि वहीं से आपको शोल्डर कटिंग करना है, और ये कपड़ा है उल्टा, तो हम इस साइड में निशान लगा देंगे। उल्टा सीधा तो उसमें नहीं है, मगर मैं एक तरफ से काट रहा हूँ इसे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा हो मुझे ना दिखता हो, तो यहाँ पर एक ही तरफ से शेड बनेगी, इसलिए आप निशान जिसमें उल्टा सीधा ना हो उसमें एक तरफ से शेड कटिंग करें, यानी किधरी से भी कटिंग कर दें। इस तरीके से करेंगे फोल्ड,
और फोल्ड करने के बाद में हमारे यहाँ पर शोल्डर है 19 इंच, आधा आधा इंच का दोनों साइडों में जाएगा मार्जिन। तो दोस्तों हम 20 इंच हमारा शोल्डर हो गया, तो 20 का हाफ करेंगे 10 इंच। उसके बाद मैंने आपको बैक कटिंग करते टाइम बताया था कि शोल्डर बैक कहाँ से कटिंग करना है आपको मिला के ऊपर से, तो उसके हिसाब से 5.5 इंच हमारे यहाँ तीरे की शोल्डर की चौड़ाई हो गई, और 1.25 इंच पे एक निशान और लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। फिर 1.25 इंच वाले पे निशान लगाएंगे। फिर हमारा कॉलर जो है 15.5 इंच है, तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाना होगा और इसको इस तरीके से करेंगे क्रॉस। और क्रॉस करने के बाद में एक निशान अब हम यहाँ पर लगाएंगे 20 का हाफ करके, ठीक है। जो हमने हमारा शोल्डर हुआ था 19, तो हमने एक एक आधा आधा इंच का मार्जिन दिया है, ठीक है। तो 1 इंच हमारा यहाँ मार्जिन हो गया, और उसके बाद में इसको क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पर देंगे गोलाई और इसको कटिंग कर लेंगे। हल्का सा आपको यहाँ क्रॉस करना है, ठीक है, जिसका ध्यान रखना है इस प्रकार, कैंची चलाते हैं हल्की सी मोड़ दें एक तरफ को और इसको कटिंग कर लें। बस यहाँ पर हल्का सा मोड़ दें, ठीक है। तो उससे जरा क्या होता है कि अच्छी गोलाई आ जाती है आरमोल की जगह पे, और इस पे यहाँ पर कटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी शर्ट कटिंग हो चुकी है। आपको अगर किसी चीज़ की कटिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमसे पेपर कटिंग खरीदना है, अपने घर बैठे महिलाएं सिलाई करना चाहती हैं और अपना काफ़ी टाइम और पैसा बचाना चाहती हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये अगर महिला बचाना चाहती हैं अपने घर बैठे अपने पड़ोस के मोहल्ले के कपड़े सिल के, ब्लाउज सिल के, तो आप हमसे इस तरह की पेपर कटिंग मंगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे इतनी अच्छी फिटिंग आती है, जैसे हमारा कटोरी कट 34 इंच चेस्ट का ये ब्लाउज है, इसी तरह की हमारे एक पैकेट में 6 पीस हैं, तो वो अलग अलग साइज के, आप इसको मंगा के और आप कटिंग कर सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ पर ये एक ब्लाउज की किट है, ठीक है, एक ब्लाउज की किट है। तो यहाँ पर इसमें देखो कटोरी है, स्लेब्स है, बेल्ट है, क्रॉस पट्टी है और बैग है, यानी कि पूरा हमारा यहाँ पर एक पीस है। इसके जो प्राइस है वो 200 रुपये हैं, देंगे आपको यहाँ पर 3 पीस ऑर्डर करना होंगे कम से कम। और वैसे हमारा जो बड़ा पैकेट है वो है 6 पीस का पैकेट है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। आप अपने घर पे अपने कपड़े खुद के या कस्टमर के सिल सकते हैं। इसमें कोई मार्जिन आपको नहीं छोड़ना है, केवल आपको कपड़े पर रखना है और कटिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑफर है, जल्दी से जाएं हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपने ऑर्डर को बुक करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।